फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको 3 लेयर लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 10 मीटर और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 5 मीटर और यहाँ पर मैंने जो ब्लाउज़ में हम यूज़ करते हैं वो वाला फैब्रिक लिया हुआ है और उसके 2 पीसेस लिए हुएंगे और केन लिया है। तो इसको एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको इसको कागज़ के ऊपर कट करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कागज़ इसलिए लिया है ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके कि मैं तीनों घेरों को किस तरीके से कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे डबल फोल्ड कर रही हूँ, पर मेरा जो फैब्रिक होगा उसे मैं डबल फोल्ड कर 4 फोल्ड करने वाली हूँ, पर यहाँ पर मैं इसे डबल फोल्ड करके आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर आपकी जो कमर का जो राउंड होगा उसे आपको 6.28 से डिवाइड अगर आप करोगे तो आपका यहाँ पर ये जो गोल में निशान लगा रही हूँ ये निकल के आ जाएगा। तो मेरा 5 इंच आया है, तो 5 इंच आया है तो मैंने यहाँ पर 5 इंच इस तरीके से मैं फैब्रिक पे भी लूँगी। इस तरीके से आपको एक करना है और जितनी भी आपके लहंगे की जो लंबाई आपको जितनी भी रखनी है उससे थोड़ी थोड़ी कम करके, मतलब मैंने 11 इंच का वो रखा था तीनों घेरों में, उसके बाद इसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने अपना ये छोटा वाला घेर कट कर लिया, उसके बाद मुझे दूसरा जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उसे भी इस तरीके से फोल्ड करना है और उसे भी इस तरीके से इसको जो मैंने पहले कट किया था इसको इसके ऊपर रखना है और इसकी कमर जो है इसको इसकी जितनी उसकी कमर है उतनी से काट लेनी है। और यहाँ पर हमें नीचे से थोड़ा बढ़ा कर यहाँ पर इस तरीके से कट करना है। यहाँ पर मैंने इसको इतना बढ़ाया है, आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हो, कितनी कितनी गेप रखना चाहते हो आप आपके घेर के बीच में। यहाँ पर मेरे 2 घेर कट के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर तीसरे घेर को भी मैं यहाँ पर इसी सेम तरीके से रखूँगी। सबसे पहले जो हमारी कमर है वो उसे कट कर लूँगी, उसके बाद में घेर को भी मैं थोड़ा बढ़ाकर और कट कर लूँगी। मैंने जो अपना घेर कट किया है वो मैंने मेरे हिसाब से रखा है, मेरे लंबाई के अकॉर्डिंग रखा है, तो आप भी इस तरीके से रखें। यहाँ पर मेरे जो तीनों घेर हैं वो इस तरीके से कट कर रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मेरा सिंगल पीस आया है, वहाँ पर मेरे डबल पीस होने वाले हैं क्योंकि मैं ज़्यादा घेर रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कपड़ा भी ज़्यादा लिया है। अगर आप चाहो तो कम में भी इस तरीके से बना सकते हो। सेम इसी तरीके से मैं अपने घेर को कट करूँगी नेट के, पहले मैं अपने नेट के घेर को कट कर लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से मेरे जो तीनों घेर हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो मेरा नेट है उसे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उसे पूरा चौकोर घड़ी करके रखा हुआ है 4 फोल्ड करके। अगर आप लहंगे को काटना जानते हो तो आपको पता ही है कि लहंगे को किस तरीके से रखते हैं काटने से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी कमर का ले लूँगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा कमर का जो पूरा राउंड होगा उसे अगर मैं 6.28 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 5 इंच निकल कर आएगा। तो 5 इंच पर मैं यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे पूरा गोल निशान बना लिया, अगर आप चाहो तो इसे नाप कर भी देख सकते हो कि ये कितना आ रहा है। तो मेरा आ रहा है 8 इंच, तो मेरा यहाँ पर आया 8 इंच, तो 8 का जो चौथाई भाग होता है वो होता है 32, तो मेरा हो जाएगा इतने में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमें जो पूरा जो हमारा हमें कट करना है सेम जिस तरीके से हमने यहाँ पर कट निशान लगाया था ना उसी तरीके से हमें हमारी जो फुल लेंथ है वो देख लेनी कि हमें इसमें सबसे बड़ा वाला जो मेरा घेर है वो कट कर रही हूँ। यहाँ पर जो आपकी फुल लेंथ आई है उसके अंदर आपको ये जो हमने 5 इंच का ऊपर एक गोल निशान बनाया था उसे भी आपको जोड़ लेना है ताकि आपका जो मतलब आपको पूरी लंबाई पता चल जाए तो आपके लिए आसान हो। इस तरीके से इस कोने पर आपको रखना है और उसके बाद आपको पूरे कपड़े के ऊपर इस तरीके से मार्क कर लेना है, यहाँ पर निशान लगा लेना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप अगर आपकी जो फुल लेंथ है उसके अंदर 5 इंच ये जो ऊपर वाले हमने लिए थे इसे भी जोड़ लेते हो और फिर उसके बाद इस तरीके से निशान लगाते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है निशान लगाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इस नेट को कट किया है सेम इसी तरीके से मैं अपने जो 3 नेट है उन्हें भी कट करूँगी। यहाँ पर अब मैं मेरे अपने जो मैंने नेट के अंदर जो निशान लगाया था घेर के लिए उसे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर पूरे घेर को मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से कट कर लेना है, जैसे सेम तरीके से हमें इसे मैं इसे कट कर रही हूँ इसी के ऊपर मैं नेट के कपड़े रखती जाऊँगी और छोटे छोटे घेरों को काटती जाऊँगी। यहाँ पर जो नीचे की साइड का जो घेर है वो तो कट गया है, अब हम इसकी जो मैंने कमर पर जो मार्क करा था वो भी मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर कमर को भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया। सेम इसी तरीके से मुझे अपने जो छोटे वाले जो घेर हैं उनको भी मैं कितना बड़ा और एक कितना बड़ा दोनों ही कट कर लूँगी। नाप के आपको करना है, आप कितना रखना चाहते हो, कितना बड़ा कितना छोटा। एक मैंने यहाँ पर करा है और एक मैंने यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया है, जो सबसे बड़ा उससे 11 इंच छोटा एक, फिर उससे 11 इंच छोटा एक, 11 इंच का इनके अंदर फ़र्क है। यहाँ पर मैंने जो है अपना घेर इसका जो अस्तर है वो भी कट कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो
यहाँ पर ये जो नेट है मेरा उसके ऊपर रख कर मैंने यहाँ पर मेरा जो अस्तर था वो भी मैंने कट कर लिया है। अस्तर तो मैं एक ही कट करूँगी जो कि बहुत ही घेर वाला मैंने कट किया था। यहाँ पर जो मैंने नेट उन मेरे कट किए थे उन्हें मैं अलग अलग कर लूँगी। मैं इन्हें अलग अलग हिस्सों में जोड़ना चाहती हूँ। मैंने जो सबसे बड़ा वाला नेट है उसे रख लूँगी, फिर उसके ऊपर जो मेरा एक छोटा वाला जो नेट है उसे रख लूँगी। यहाँ पर इससे जो छोटा वाला था उसे रखूँगी, फिर उसके ऊपर जो सबसे छोटा वाला था उसे भी मैं इसके ऊपर रख लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से मैंने अपने जो सबसे छोटा वाला नेट है उसे भी रख लिया। इन तीनों को सबसे पहले, इन तीनों की कमर के जो साइड है एक ही जैसे हैं, इन्हें मिलाकर सबसे पहले मुझे एक सिलाई लगानी है। यहाँ पर सबसे पहले सिलाई लगानी है। सिलाई लगा लेने के बाद में सबसे नीचे के साइड में मुझे मैंने जो अपना अस्तर कट किया था उसको लगाकर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों घेरों को मैंने रख कर सिलाई लगा लिया है। और मैंने अपने जो ये मेरा सबसे छोटा नेट, यहाँ पर मेरा इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा और सबसे नीचे मेरा अस्तर, इस तरीके से आपको दोनों ही साइड्स को रेडी कर लेना है सबसे पहले फ्रेंड्स। यहाँ पर अब मुझे इसे जोड़ना है। अब मैं इसे जोड़ने के लिए क्या करूँगी, जो मैंने जो एक हिस्सा है मैंने जो अपना तैयार किया था उसको मुझे सीधा रखना है और इसके ऊपर जो मैंने दूसरा हिस्सा तैयार किया था उसको मुझे उल्टा करके रखना है। जो हमारी सीधे साइड है वो दोनों ही अंदर के साइड आने चाहिए और दोनों जो उल्टे साइड है वो दोनों बाहर के साइड आने चाहिए। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ही आइट साइड से जोड़ देना है। मैं इसे दोनों साइड से इसलिए जोड़ रही हूँ ताकि मैं इसका जो बेल्ट बनाऊंगी वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनाने वाली हूँ और उसको मैं जोड़ उसके अंदर मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो हमारा फर्स्ट वाला जो नेट है सबसे छोटा वाला उसे लेना है और उसे पूरा इस तरीके से पकड़ कर सिलाई लगा लेनी है, फिर उसके दूसरे वाले में, फिर तीसरे वाले में, फिर उसके बाद अस्तर के अंदर इस तरीके से जो दोनों साइड पर जो सिलाई है वो मैंने लगा ली। पर मैंने इसमें दोनों ही साइड्स पर सिलाई लगा लिया है और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका जो बेल्ट है वो कट करना है। हमारा जो घेर है वो तो रेडी हो ही चुका है। अभी इसके अंदर हमें केन वाला अस्तर अभी मैंने नहीं लगाया है, उसमें भी मैं अब अटैच कर दूंगी। उसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो केन मैंने अपने अस्तर में कैसे लगाया तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना जो बेल्ट बनाने वाली थी वो मैं 2 इंच का बनाने वाली थी, इसलिए मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने कट कर ली है यहाँ पर और उसी का 4 इंच चौड़ा नेट भी कट किया है ताकि मैं नेट और उन दोनों को मिलाकर बेल्ट बना सकूँ। यहाँ पर सबसे पहले एक कोना पकड़ लेना और यहाँ पर से पूरे में एक सिलाई लगानी। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली। उसके बाद मैं इसे फोल्ड कर दूँगी। मैं यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार और अंदर की साइड पर यहाँ पर इस तरीके से एक बार फोल्ड करके और दूसरी बार भी फोल्ड करके अंदर के साइड पे ऐसे सिलाई लगा लूँगी, तो मेरा 2 इंच का जो बेल्ट है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और फिर उसके अंदर मैं इलास्टिक भी डाल दूँगी। इसके अंदर हमें इस यहाँ पर एक साइड पे मैंने इसके अंदर इलास्टिक डालने के लिए जगह भी छोड़ी है फ्रेंड्स। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर इलास्टिक डालूँगी और जो कि ये मैंने केन इसके अंदर बनाकर लगा लिया है फ्रेंड्स। देख सकते हो आप कितना सुंदर तरीके से लगा है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने जो कमर थी वहाँ पर इलास्टिक भी लगा लिया है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो मेरा 3 लेयर का मैंने जो घेर किया था वहाँ पर मैंने पिको कर लिया है नीचे के साइड पर ताकि वो और ज़्यादा अच्छा लगे। पिको करने के बाद वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वो घेर कितना प्यारा लग रहा है। 3 लेयर लहंगा बनकर जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।